बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब खत्म होने जा रहा है। निर्वाचन आयोग 2-3 दिन में बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त कभी भी बिहार का दौरा कर सकते हैं और इसके तुरंत बाद चुनाव का ऐलान भी किया जाएगा। तो कब जारी की जाएंगी चुनाव की तारीखें, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में स्वास्थ्य मुसीबत को देखकर ये लगा था कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव समय पर नहीं होंगे। विपक्ष भी ये मांग कर रहा था कि अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि चुनाव कराए जाएं, इसीलिए कुछ समय के लिए विधानसभा चुनाव टाल दिए जाएं। लेकिन बिहार और केंद्र सरकार चुनाव कराने पर अड़े हुए थे और चुनाव आयोग ने भी ये साफ कर दिया था कि चुनाव टालने की उसकी कोई मंशा नहीं है, यानी चुनाव समय पर ही होने जा रहे हैं। और अब विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पटना में वो चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और चुनाव के सही इंतजामों का जायजा लेंगे। इसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। दावा यही किया जा रहा है कि रविवार तक बिहार चुनाव की तारीखें सामने आ जाएंगी। बिहार चुनाव 3 या 4 चरण में कराए जा सकते हैं। आयोग दीपावली के पहले मतदान की पूरी प्रक्रिया संपन्न कराने की कोशिश में है। जरूरत हुई तो दीपावली और छठ के बीच में मतगणना कराई जा सकती है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है, ऐसे में नई सरकार के गठन के लिए भी पर्याप्त समय रहेगा। महामारी के चलते इस बार विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान बदला सा दिखाई देगा। चुनाव प्रचार और वोटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सीनियर सिटीजन और संक्रमित लोगों को लेकर भी नए नियम बनाए गए हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।